बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर आ रही है। सहरसा के जेल सुपरिटेंडेंट के ठिकानों पर छापामारी की गई है। जेल सुपरिटेंडेंट सुरेश चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट का छापा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है। सहरसा में सरकारी आवास पर यह छापेमारी कार्रवाई अभी भी जारी है। मुजफ्फरपुर में निजी आवास पर भी रेड चालू किया गया है। तो आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर में निजी आवास पर भी रेड चालू है। सहरसा और मुजफ्फरपुर दो ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई जारी है। कागजात खंगाले जा रहे हैं। और देखिए, हो सकता है बड़े खुलासे भी हों। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। और देखिए, लंबे समय से शिकायत चल रही थी, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैश बरामद हुआ है और अभी भी पूछताछ जारी है। मुजफ्फरपुर के निजी आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। स्पेशल विजिलेंस की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। संवाददाता विशाल फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे आय से अधिक संपत्ति का मामला और क्या कुछ जानकारी। जी, मैं बता दूं कि इन पर जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हैं और फिलहाल इनके जो सरकारी आवास हैं यहाँ पर जो है स्पेशल विजिलेंस की टीम जो है लगातार पिछले एक घंटे से जो है छापेमारी कर रही है। अंदर जो है रेड चल रहा है। फिलहाल जो है रेड अभी जारी है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि फिलहाल रेड अभी जारी है, आगे भी जानकारी मिलेगी कुछ तो आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे विशाल, कि अभी सहरसा की बात की जाए तो वहां उनके दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है। और देखिए, दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है, कागजात खंगाले जा रहे हैं। हो सकता है कब से ये सिलसिला चल रहा है, क्या कुछ हो, पूछताछ के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं। वहीं हमारे साथ पटना से रितेश भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। रितेश, आय से अधिक संपत्ति का मामला और देखिए बड़ा खुलासा हुआ है, दो दो ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, सहरसा और मुजफ्फरपुर में। अब बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने, ये लंबे समय से रडार पर थे और इनकी शिकायत लगातार विभाग को मिल रही थी कि जो भी वैसे जो तत्व हैं उनके साथ इनकी सांठगांठ है। और जेल सुपरिटेंडेंट रहते हुए इन्होंने अकूत संपत्ति की कमाई की है। जो आय है इनका, जो आय का वैध स्रोत है उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। मुजफ्फरपुर की बात करें, सहरसा की बात करें और अलग अलग जो शहर हैं वहां पर भी इनके जो अवैध कमाई का जो जरिया है, जो स्रोत है और इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है, उन तमाम चीजों की जांच चल रही है। कागजातों की जांच चल रही है, ऑर्नामेंट्स की बरामदगी हुई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर आवास से इनके बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि इनके दफ्तरों पर भी छापेमारी की जा रही है, क्योंकि दफ्तरों में भी सूचना मिली है कि वहां से भी ये जो अवैध कमाई का जो पूरा नेक्सस चला रहे थे, ये अपने आवास से तो कर ही रहे थे, अपने दफ्तर से भी कर रहे थे। और कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। कई लोगों को इन्होंने बतौर जेल सुपरिटेंडेंट रहते हुए कई तरह के लाभ पहुंचाए हुए हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह से लगातार अगर देखा जाए बिहार में तो जेल सुपरिटेंडेंट की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और अब जिस तरह से स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने कार्रवाई की है, इससे ऐसे जो जेल सुपरिटेंडेंट्स हैं उनकी कार्यशैली में भी अब सुधार आने की गुंजाइश है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है वो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के लिए बेहद अहम है, क्योंकि एक तरफ देखिए कि जेल सुपरिटेंडेंट हैं सुरेश चौधरी, उनके ठिकानों पर तो छापेमारी हो ही रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहटा के तत्कालीन थाना प्रभारी अवधेश कुमार झा के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। और ये जो छापेमारी है ये चल रही है, आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है और इन पर भी आरोप है कि इन्होंने थाना प्रभारी रहते हुए बालू माफियाओं को काफी ही फायदा पहुंचाया और बालू के अवैध खेल में इन्होंने बहुत ज्यादा जो संपत्ति है इन्होंने अर्जित की है। तो आज इन तीन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आगे क्या कुछ होगा हम वो भी बताएंगे कि कितना कैश बरामद की हुई है और कितने की संपत्ति कुल स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने प्राप्त की है, ये आगे भी हम अपडेट अपने दर्शकों को देंगे। जी अंजलि।
बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बिहटा की बात की जाए, वहां भी तत्कालीन थाना प्रभारी के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। तो क्या बालू माफियाओं की अगर बात की जाए, साठगांठ की बात सामने आ रही है, तो ये सिलसिला कब से चल रहा है, कोई आपके पास जानकारी? क्योंकि सवाल ये उठता है, लगातार ऐसे माफिया के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साठगांठ, बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने, क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में सरकार लाख कोशिश कर रही है, लेकिन अवैध बालू का धंधा कहीं से भी रुक नहीं रहा है। और नहीं रुकने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जिन लोगों पर बालू का अवैध कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है, वही लोग कहीं ना कहीं बालू माफियाओं से साठगांठ करते हैं। चाहे थाना प्रभारी की बात करें, एसपी की बात करें, कई बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, बालू के खेल में उनकी संलिप्तता साफ तौर पर उजागर हुई थी। उस दिन पहले ही एसपी रैंक के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई थी। तो आप समझ सकती हैं अंजलि की जिन अधिकारियों पर बालू के अवैध कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही लोग जब अगर मिल जाएंगे बालू, बड़ा सवाल उठा रहे थे कि अगर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है वही साठगांठ करेंगे, तो कैसे आप समझ सकते हैं शिकंजा।